रिच डैड पुअर डैड, फिनांस मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। इस बुक में बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया गया है कि कैसे आप अपने पैसे को इस्तेमाल करें, आप कैसे अमीर बन सकते हैं। बेसिकली ये बुक दो थॉट्स के ऊपर, दो बातों के ऊपर चल रही है। एक बात है पुअर डैड की, गरीब पिता की, और दूसरी बात है रिच डैड की, अमीर पिता की। दोनों क्या सोचते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कैसे वो पैसों को इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ इस बुक में लिखा गया है। लगभग 250 से 300 पेजों की ये बुक आपको फिनांस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देती है। इस बुक में साफ साफ बात कही गई है कि गरीब पिता हमेशा कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और वो इसी सोच के साथ चलते रहते हैं। अमीर पिता कहते हैं कि वो पैसों को कैसे कमाए और कैसा कमाए और इसी सोच से वो चलते रहते हैं। यही कारण है कि गरीब गरीब होता रहता है और अमीर अमीर होता रहता है, क्योंकि वो एक ही बात को दोहराते रहते हैं दोहराते रहते हैं। गरीब पिता अपने पैसों को वहाँ खर्च करता है जहाँ से कभी वो वापस ना आए, और अमीर पिता पैसों को वहाँ खर्च करते हैं जहाँ से पैसा डबल होकर या कमीशन के साथ वापस आए। तो इस किताब में इन बातों को और भी डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप फिनांस में इंटरेस्टेड हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है।